कई सारे लोग इंश्योरेंस पॉलिसी को वॉशिंग मशीन और टीवी और रेफ्रिजरेटर की तरह बेचते हैं। जैसे एक वॉशिंग मशीन बेचने वाला आदमी या रेफ्रिजरेटर बेचने वाला आदमी एक घर में एक वॉशिंग मशीन देता है, एक घर में एक रेफ्रिजरेटर देता है, ठीक उसी प्रकार से कई सारे LIC एजेंट एक घर में एक पॉलिसी देकर के आते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं वॉशिंग मशीन नहीं बेच रहा हूँ। वॉशिंग मशीन घर में एक दिया जा सकता है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी घर के हर सदस्य के पास में होनी चाहिए। क्लब मेंबरशिप के ऊपर टारगेट करने का मुझे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मैं घर के हर सदस्य को पॉलिसी देने के बारे में सोचता हूँ। और हम सारे लोग जानते हैं कि लाइव्स का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने किसी घर में से 2 लाख रुपए का प्रीमियम उठाया और 2 लाख रुपए में एक पॉलिसी बेची, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉलिसी और एक लाइव बेची। लेकिन अगर मैंने घर के मुखिया को, उसकी वाइफ को, उसके बेटे को, उसकी बेटी को, चारों के नाम पे 2 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करके पॉलिसी दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 पॉलिसी और 4 लाइव्स और 4 पॉलिसी बिकी मेरी, तो फायदा क्या होता है, मैं शतकवीर की दिशा में जा रहा हूँ। और 4 लाइव्स बेचने से मुझे फायदा ये हो रहा है कि मैं क्लब मेंबरशिप की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इसका दूसरा महत्व क्या मालूम है कि अगर मैंने 2 लाख रुपए के प्रीमियम में एक पॉलिसी बेची है, एक लाइव बेची उस परिवार में, ईश्वर ना करे उस व्यक्ति को हो गया, तो उसमें 3 लोगों का नुकसान हो। पहला नुकसान होता है उस परिवार का, क्योंकि उस व्यक्ति का अकेले का इंश्योरेंस था जिसकी मृत्यु हो गई, परिवार में और किसी का इंश्योरेंस नहीं था, वो पूरा का पूरा परिवार जो है वो बिना इंश्योरेंस का होता। दूसरा नुकसान होता है LIC एजेंट का कि यदि मैंने 2 लाख रुपए के प्रीमियम में एक लाइव बेचने की बदले 4 लाइव बेची होती तो एक का प्रीमियम मेरा बंद हो जाता, लेकिन बाकी के 3 प्रीमियम चालू रहते और मेरा भी रिन्यूअल कमीशन चलता रहता, उनका इंश्योरेंस चलता रहता 3 लोगों का और मेरा रिन्यूअल कमीशन। और तीसरा नुकसान होता है LIC का कि LIC का एक साथ 2 लाख रुपए का प्रीमियम बंद हो जाता है, लेकिन यदि मैंने 4 पॉलिसी और 4 लाइव बेची है तो एक आदमी का प्रीमियम बंद होगा, लेकिन परिवार के 3 लोगों का प्रीमियम चल सकता है, चालू रह सकता है। तो लाइव के ऊपर फोकस ना करने से ना कस्टमर का भला है, ना एजेंट का भला है, ना LIC का भला है, और लाइव के ऊपर फोकस करने से कस्टमर, LIC और एजेंट तीनों को बहुत बड़ा फायदा। एक इंश्योरेंस एडवाइजर होने के नाते मुझे हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं सुख सुविधा की प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, मैं लोगों के भविष्य को बनाने वाली प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। और इसके लिए मेरी जिम्मेदारी में आता है कि क्या उस परिवार में जितने सदस्य है उन सभी को मैंने सुरक्षित किया कि नहीं किया, उन सभी की आर्थिक सुरक्षा की योजना बनाई कि नहीं बनाई, या मैं अपने कमीशन के चक्कर में। और कई बार मैंने ये भी नोटिस किया माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे एजेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं कि जो खुद को कागज कम करने पड़े, खुद को डॉक्यूमेंट्स कम कलेक्ट करने पड़े और मामला फटाफट मतलब जो निपट जाए, इस चक्कर में भी वो लाइव ज्यादा नहीं बेचते हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना काम कम हो, इस वजह से दूसरों को असुरक्षित रखना ये इस प्रोफेशन के लिए बेईमानी है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हम एक परिवार को एक प्रोस्पेक्ट समझते हैं। मान लीजिए कि मैं मनोज सक्सेना साहब है, SBS साहब है हमारे बीच में, अगर मनोज सक्सेना साहब के वहां पर मैं पॉलिसी बेचने के लिए जाता हूँ तो वो परिवार एक प्रोस्पेक्ट नहीं है। अगर मनोज सक्सेना साहब के परिवार में 5 सदस्य है तो उस एक परिवार में मेरे लिए 5 प्रोस्पेक्ट पैदा हो। तो जैसे ही मैं क्लब मेंबरशिप की रिकॉग्निशन के ऊपर नजर डालता हूँ तो मेरा प्रोस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाता है। अभी अपन क्या करते हैं, एक घर को एक प्रोस्पेक्ट समझते हैं, लेकिन एक घर के अंदर आपके लिए 5 प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, एक घर के अंदर आपके लिए 7 प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। इस तरीके से भी प्रोस्पेक्ट को बढ़ाया जाता है।